यदि आप IRDIA असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी को एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। यदि आप एग्जाम पैटर्न पता नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न है क्या, प्रीलिम्स, मेन और आपका इंटरव्यू का। प्रीलिम्स में सबसे पहले देखते हैं क्या है, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं सारे जो दिए गए हैं आप डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कंटेन्स वन मार्क, एक क्वेश्चन जो होगा एक मार्क का होगा। टाइमिंग मिलेगा 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, तो 90 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन आप सही करते हैं एक मार्क मिलेगा, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं इसमें दिया भी गया है तो वो आपका 1/4 डिटेक्ट होगा फ्रॉम द करेक्ट आंसर्स। तो ये है प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न। IRDA जो असिस्टेंट मैनेजर का फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा उसमें ये सारी क्राइटेरिया फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद हम मेंस की देखते हैं, मेंस में क्या होगा इसका, यानी फेज टू में जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा। फेज टू का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका रिटन एग्जाम होगा। पेपर वन में क्या होगा, इंग्लिश के 100 मार्क्स आएंगे और 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा फेज वन में। पेपर वन में क्या होता है, पेपर वन में इससे राइटिंग, लेटर राइटिंग यही होता है नॉर्मली इंग्लिश को, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को जज किया जाता है या टेस्ट किया जाता है। पेपर टू में इसमें क्या होगा, पेपर टू में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज इम्पैक्टिंग द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी को कौन से ऐसे इशूज हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, इसके ऊपर आपको एक राइटिंग लिखना होगा यानी एक लेटर लिखना होगा, एक तरीके से आप ऐसे समझिए आप ऐसे लिखना होगा। थर्ड इसमें जो एग्जाम होगा पेपर, इसमें इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, ये आपके 100 मार्क्स क्वेश्चन होंगे और मिनिमम जो टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तीनों के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन का टाइम 1 घंटे का होगा। तो इस तरीके से पेपर टू होगा। यदि आप पेपर वन पेपर टू क्लियर कर लेते हैं फिर बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन होगा, यदि आप इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं तो फिर आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है केवल IRDA असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू का प्रोसेस है। इसमें दिया भी गया है जो एग्जाम आपका पेपर टू होगा विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड विल बी कंसिस्ट ऑफ द 3 पेपर्स, 3 पेपर होंगे जैसा कि मैंने आपको अर्लियर बता दिया है। और ये जो पेपर होंगे ऑल 3 पेपर्स विल बी हेल्ड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। केवल इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके एक पेपर आपका ये वाला जो होगा पेपर वन में, इसमें ये होगा इंग्लिश का, ये केवल इंग्लिश टेस्ट का किया जाएगा, ये मैंडेटरी है, इसमें हिंदी नहीं होगा। पेपर टू पेपर थ्री में हिंदी और इंग्लिश में भी आप राइट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल PDF है, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।